जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि कब से शुरू है, साथ ही मैं आपको इसकी सही तिथि, इसके घट स्थापना का मुहूर्त और इसके महत्व के बारे में बताऊंगी, और आप जानेंगे कि किस दिन किस माता के स्वरूप की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में चैत्र माह का विशेष महत्व होता है। चैत्र माह से नए हिंदू नववर्ष विक्रम संवत आरंभ होता है और इसी महीने चैत्र नवरात्रि पर देवी दुर्गा की पूजा आराधना का सबसे बड़ा शक्ति पर्व मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल में कुल 4 बार नवरात्रि आती हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है, जबकि बाकी 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है, जो नवमी तिथि पर संपन्न होती है। चैत्र नवरात्रि पर देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा के भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए 9 दिनों तक लगातार उपवास, साधना और मंत्रोच्चार करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि इस साल चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल 2024 को रात 11:50 से शुरू हो रही है और इसका समापन 9 अप्रैल को रात 8:30 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। चैत्र नवरात्रि पर घट स्थापना, जिसे कलश स्थापना भी कहते हैं, शुभ मुहूर्त में करने का विधान होता है। 9 अप्रैल को घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:02 से प्रारंभ होकर 10:16 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना होती है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से 12:48 तक रहेगा। प्रतिपदा तिथि 9 अप्रैल 2024 मंगलवार को होगी। आइए अब जानते हैं कि किस दिन किस माता के स्वरूप की पूजा की जाती है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, इस दिन कलश स्थापना होगी। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होगी। चौथे दिन माता कुष्मांडा की। पांचवे दिन माँ स्कंद माता की। छठे दिन माँ कात्यायनी की। सप्तमी वाले दिन होती है कालरात्रि माता की पूजा। अष्टमी वाले दिन होती है महागौरी की पूजा और नवमी के दिन होती है माँ सिद्धिदात्री की पूजा, जिसको महानवमी और राम नवमी भी कहा जाता है। दशमी तिथि यानी 18 अप्रैल 2024 को नवरात्रि का पारण रहेगा और इस दिन दुर्गा विसर्जन होगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी आने वाली सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।